परमात्मने नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम श्री ऋषिभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम YouTube चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् मित्रों आज हम संस्कृत भाषा शिक्षण की नवासीवीं कक्षा को पढ़ेंगे निबंध आज हम निबंध पढ़ते हैं निबंध संख्या दश श्री जवाहरलाल नेहरू ये श्री जवाहरलाल नेहरू जी हुए हैं उनके संबंध में ये छोटा सा निबंध है श्री जवाहरलाल नेहरू न कवल भारतवर्ष से अभी तो विश्व महती विभूति जवाहरलाल नेहरू थे वो न केवल भारतवर्ष की के केवल नहीं अभी तो संपूर्ण विश्व की एक वो विभूति थी महान आत्मा थी तस्य पिता श्री मोतीलाल नेहरू जननी चा स्वरूपरानी आस्तम और कहते हैं उनके पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू जी और थे और उनकी माताजी का नाम था स्वरूपरानी स बाल्य काले गत्वा तत्र आंग्ल भाषाया अध्ययनम अकरोत बचपन में ही वो विदेश चले गए थे विदेश भेज दिया गया था तो वहाँ वहाँ पर उन्होंने मुख्य रूप से आंगल भाषा का विशेष अध्ययन किया था सगुणा आकर धैर्य से धाम विद्वत्ता निधि अहिंसाया प्रबल प्रचारक राजनीतिशारद असम देशभक्त चा ये बहुत सारे गुण बता रहे जी अब ये थे अथवा नहीं थे और हमें पढ़ने से तात्पर्य है कहते हैं वह गुणों की आकर्मण थे धैर्य के धाम थे धैर्य उनमें अपार था विद्वत्ताया निधि और विद्वत्ता के वो खजाने थे तिजोरी अहिंसाया प्रबल प्रचार का और वो अहिंसा के प्रबल प्रचारक थे जी राजनीति के विशारद थे राजनीति जीते वो और कहते हैं, असमह देश भक्त उनके समान कोई देशभक्त नहीं था इस प्रकार के देशभक्त थे <laughs> और कहते हैं स देश से स्वाधीनता लाभाय बहुवार कारावास प्राप्त और जो जवाहरलाल नेहरू महाराज जी थे उन्होंने क्या है स्वाधीन देश की स्वाधीनता के लिए कई बार जेल में गए मतलब जेल को प्राप्त हुए उन्हें कारावास दिया गया स सप्तश वर्षाणी प्रधानमंत्री पदम अलंचकार उन्होंने सत्रह वर्ष सप्तश वर्षाणी यानी सेवनटीन ईयर्स क्या हुआ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे हटे नहीं वहां से के ही रहे भाई नहीं छोड़ूंगा तो सत्रह साल तक वो प्रधानमंत्री पद को उन्होंने कुर्सी से चिपक करके अलंकृत किया विभूषित किया राइट और कहते तस्य पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपि एकादश वर्षाणी प्रधानमंत्री पदम आलामा करोत और कहते हैं उन्होंने सत्रह साल कुर्सी को पकड़े रखा उसके बाद में उनकी जो पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी जी उन्होंने भी एक आदर्श वर्षाणी माने ग्यारह साल उन्होंने भी कुर्सी को पकड़ के रखा और प्रधानमंत्री पद को अलंकृत किया तो ये छोटा सा निबंध हमने जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में पढ़ा आइएगा अब हम एक आगे और निबंध पढ़ते हैं निबंध संख्या है ग्यारह ग्राम जीवन ग्राम जीवन माने गांव का जीवन गांव की जीवन गांव के जीवन की शैली लोग कैसे जीते हैं भारतवर्ष ग्राम प्रधान देश अस्ति। जो भारतवर्ष है वो कैसा है ग्राम प्रधान देश है क्योंकि अधिकतर लोग गांव में ही रहते हैं शहर में तो बहुत कम रहते हैं ना अधिका जनता ग्रामेशुव निवसती और अधिकतर जो जनसंख्या है जनता है वह गांव में ही निवास करती है ग्रामवासीन जना इति कथ्यंते और ग्रामवासी जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनको ही क्या कहते हैं ग्रामीणा उनको ग्रामीण लोग कहा जाता है ग्रामीणा जानना दिनचर्या शोभना शिक्षा प्रदा चवती और गांव के लोगों की जो दिनचर्या होती है वो सुबह सुबह चार बजे उठ जाते हैं तो वो जो है तो क्या है एक अच्छी दिनचर्या और शिक्षा प्रदान करने वाली दिनचर्या होती है ग्रामेशु ग्रामीणा जना प्रातः चतुर्वादने उत्तिष्ठन्ति कह रहे हैं ग्रामों में जो लोग हैं वो सुबह सुबह चार बजे ही उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और कहते हैं ते शौच स्नान संध्या अन्य आवश्यक कार्य कृत्वा स्वीय शु कार्यु संलग्ना और कह रहे हैं कि ते मन वे लोग शौचम मन शुद्धि शौच मींस करना स्नान करना संध्या को करना और अन्यत और भी आवश्यक कार्यों को करके अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं जो भी खेती बाडी खेती बाड़ी का कार्य होता है और कहते हैं ग्रामान परिता पूर्णानि क्षेत्राणी भवंती कहते हैं ग्रामों के चारों तरफ क्या होता है ही पूर्णानि माने फसलों से हरी भरी फसलों से क्या है वो क्षेत्र हैं हमेशा शस्य श्यामला भूमि सब जगह हरी हरी भूमि दिखाई देती है चारों तरफ गांव का नजारा अलग ही होता है ये हम गांव के हमको मालूम है गांव का नज़ारा कैसा होता है बहुत आनंद आता कह रहे तत्र उद्यानेशु सुंदराणी पुष्पाणी फलानी च दृश्यते और कह रहे हैं वहाँ पर उद्यानों में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल और फल दिखाई देते नहीं कह रहे हैं ग्रामेशु स्वच्छ वायु प्रवहती गांव में प्योर वायु बहती है शहरों में तो इम्प्योर हो गई है अशुद्ध हो गई है प्रदूषित ग्राम शु शुद्ध जलम स्वच्छ वायु शुद्ध दुग्ध शुद्ध घृत शुद्धा खाद्य वस्तूँ तो गांव में क्या है आपको शुद्ध पानी मिल जाएगा शुद्ध वायु मिल जाएगी शुद्ध दूध मिल जाएगा जी एकदम और घी मिल जाएगा शुद्ध और शुद्ध अन्य खाद्य वस्तुनी भी प्राप्त हो जाती हैं अतः समीचीनम भवती इसलिए गांव में जो स्वास्थ्य लोगों का अच्छा रहता है तत्र त्र जनाष्ट पुष्टा बलवंत प्रसन्ना गांव के लोग रिष्ट होते हैं पुष्ट होते हैं और बलवान प्रसन्न रहते हैं जी उनको कोई चिंता नहीं होती जी कोई चिंता नहीं होती गांव वाले लोगों को भाई जो होना है सो होगा जय श्री राम करते रहो अपना काम कह रहे हैं ग्रामेशु जीवनम अति सुंदरम भवती गांव में जीवन अति सुंदर होता है तो आज मित्रों हमने इस कक्षा में दो निबंधों को पढ़ा और भी आगे, आगे के शेष निबंधों को आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे अस्तु अत्र विरमा सर्वेभ्यो नमो नमः